दक्षिण भारत के केरल राज्य के त्रिचुर में त्रिचुरपुरम नाम का पर्व मनाया जाता है, जिसकी विशेष पूजा यहाँ के वटककुनाथन मंदिर में आयोजित होती है। बड़े ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। इस मंदिर को इस विशेष पर्व का विशेष मंदिर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि त्रिचुरपुरम केरल में हिंदुओं का एक मुख्य त्यौहार है। ये भव्य रंगीन उत्सव केरल के सभी भाग से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मलयाली मैडम मास की पूरम तिथि को मनाया जाता है। आपको बता दूं कि वटककुनाथ मंदिर केरल का एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसे टेंकलेशम तथा ऋषभचलम भी कहते हैं। त्रिचूर एक खूबसूरत पुराना शहर और केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी है। भूतपूर्व कोचिन रियासत के महाराजा राम वर्मा नौवा सत्तन तंबुरान 1790 से लेकर 1805 के समय त्रिचूर की रियासत की राजधानी भी रही है। नगर के मध्य में ही 9 एकड़ में फैला ऊंचे परकोटे वाला एक विशाल शिव मंदिर है, जिसे वटककुनाथन कहते हैं। वटककुनाथन का मतलब है उत्तर के नाथ। प्राचीन साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस मंदिर में शंकराचार्य के माता पिता ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या किया था। साथ ही एक और रोचक बात ये भी है कि यहाँ आदि शंकराचार्य की तथा कथित समाधि भी बनी हुई है, और उसके साथ एक छोटा सा मंदिर जिसमें उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। साथ ही आपको बता दूं कि आदि शंकराचार्य की एक समाधि केदारनाथ मंदिर के पीछे भी है। वटककुनाथन के इस मंदिर के चारों तरफ 60 एकड़ में फैला घना सागौन का जंगल था, जिसे सत्तन तंबुरान ने कटवा कर लगभग 3 किलोमीटर गोल सड़क का निर्माण करवाया था। यही आज का स्वराज राउंड है। किसी विलेज पार्ड के यह कहकर प्रतिरोध किए जाने पर कि ये जंगल तो शिव की जटाएं हैं, उस राजा ने अपने ही हाथ से उस बेगे का सर काट दिया था। इसी मंदिर के बाहर अप्रैल मई में वैशाख मास की द्वादशी को पूरम नाम का उत्सव होता है, जिसे देखने के लिए विदेशियों से लाखों लोग आते हैं। साथ ही अपनी मनोकामना मांगते हैं, जो आखिर में पूरी होती है। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।